दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी के किरदार से लाखों लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। और अक्सर ऐश्वर्या शर्मा अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर तरह की खबरें शेयर करती रहती हैं। हालांकि इन दिनों ऐश्वर्या शर्मा से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहाँ कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या शर्मा फैमिली प्लानिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, आखिरकार ऐश्वर्या शर्मा ने अपने फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी बताते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट इन दिनों गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी और विराट के किरदार में नजर आ रहे हैं। और इसी सीरियल के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। और डेट करने के बाद दोनों ने साल 2021 में एक दूसरे से शादी कर ली और आज इन दोनों की शादी के 2 साल ऊपर हो गए हैं। पर अभी तक दोनों ने फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है। पर अभी इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा ने अपने दिए गए इंटरव्यू में फैमिली प्लानिंग के बारे में काफी कुछ बातें की हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार वाले चाहते हैं कि हम दोनों फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचे। वही ऐश्वर्या शर्मा ने ये भी कहा कि हर कोई हमसे फैमिली प्लानिंग के बारे में सवाल जवाब करता है, पर नील का कहना है कि अभी तो तुम खुद बच्ची हो, पहले खुद बड़ी हो जाओ, फिर हम बच्चे करेंगे साथ। ही ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि अभी मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हूं। वहीं ऐश्वर्या शर्मा का ये भी कहना है कि फिलहाल अभी हम दोनों को अपने करियर पर फोकस करना है और इसलिए हम अभी अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक हम दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल ना हो जाते और एक अच्छे माता पिता बनने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वेल दोस्तों, आप ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को पेरेंट्स बनते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।